नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथ फाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट ट्रेड्समैन मेट 2021 के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो रिलीज हो गई है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट से, और सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एज के बारे में और कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो रिलीज़ हो गई है, तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप इसको हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे जब विजिट करेंगे, तो आप वहाँ पे आपको इस तरह सारे अटैचमेंट मिल जाएंगे जहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन जिनका भी नाम उस लिस्ट में है, तो इस तरह से ये लिस्ट है, सारी लिस्ट निकली है, तो आप इसको हमारे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने इसके लिए एग्ज़ाम दिया था, तो अब वो इसकी लिस्ट आ चुकी है, तो आप इसे ज़रूर देखें दोस्तों। यहाँ पे सारी लिस्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है वो लिस्ट, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल 6 लिस्ट है जो इंग्लिश में, और 6 लिस्ट जो है वो हिंदी में भी है। तो और अगर आप जैसे कि अभी लिस्ट निकली है, तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे एक रिप्लाई बॉक्स के बनाए जहाँ पर अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हैं, रिप्लाई करके डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ और सेम इंटरेस्ट ऑफ पीपल के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।